ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन लगातार चल रही हैं व्यस्त अपनी फिल्मों को लेकर, लेकिन ये क्या, फिल्मों से हटकर ऐश्वर्या ट्रेंड में बनी हुई हैं अपनी दूसरी प्रेगनेंसी को लेकर। ऐश्वर्या की दूसरी प्रेगनेंसी से जुड़ी तमाम खबरें लगातार आती ही रहती हैं और ऐश्वर्या का इस पर चुप रहना, अभिषेक बच्चन का भी इस पर चुप रहना लोगों को बार बार ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, क्या वाकई में ऐश्वर्या इस साल फैमिली प्लानिंग की खुशखबरी देने वाली है। जी हाँ, नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दर्शकों, आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ बेहद ही खास प्रोग्राम ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर। उनसे जुड़ी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे ट्विटर पर और तो और इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐश्वर्या के चाहने वाले, अभिषेक ऐश्वर्या की फैमिली को लेकर एक्सपेक्टेशंस करने वाले तमाम उनके करीबी, उनके प्रशंसक और बॉलीवुड इंडस्ट्री के दर्शक एक्सपेक्टेशंस को कैसे खुशियां मनाते हुए जाहिर कर रहे हैं कि ऐश्वर्या इस बार आराध्या के लिए एक प्यारा सा भाई लेकर आएंगी। क्योंकि ऐश्वर्या जिस तरह से आमिर खान के बेटे आजाद राव पर प्यार लुटाती हैं, जिस तरह से शाहरुख के बेटे अब्राम पर प्यार लुटाती है और जिस तरह अपने भाई आदित्य के छोटे प्यारे बेटों पर प्यार लुटाती हैं, कहना गलत नहीं होगा कि ऐश्वर्या को ना सिर्फ बेबी गर्ल से लगाव है बल्कि बेबी बॉयज भी उन्हें काफी पसंद है। यही कारण है कि लोग अब उनकी जिंदगी में अपने बेबी बॉय को देखना चाहते हैं। तो आज हम आपको उस रिपोर्ट में वाकिफ कराएंगे क्या है वो खबरें जिसके कारण ऐश्वर्या दूसरे बच्चे को लेकर ट्रेंड में रही। देखिए रिपोर्ट। वाल ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर। उनसे जुड़ी इस खास रिपोर्ट में हमने बात की है कि क्या कहना है दर्शकों का, प्रशंसकों का, उनके चाहने वालों का, बच्चन फैमिली के प्रेमियों का। अब वक्त हो गया है दोस्तों यहीं पर इजाजत लेने का, बहुत जल्द लौटेंगे ऐसी ही बॉलीवुड की तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। लेकिन जाते जाते बता दें कि ऐश्वर्या फिलहाल अपने फिल्मी करियर में है व्यस्त। डबल रोल करने वाली है वो प्ले मणि रत्नम की अपकमिंग फिल्म पोनी एंड सेल्वम में। इसके अलावा उनके पास बॉलीवुड की एक बायोपिक फिल्म है जिसके लिए उन्हें करनी है तैयारी और इसके बाद ही वो करेंगी दूसरे बच्चे की प्लानिंग। लेते हैं आपसे इजाजत, देखते रहे एंटरटेनमेंट की हर खबर हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।